अडानी ग्रुप ने सबसे बड़ी बोली लगाकर धरावी को रीडेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी अपने नाम ले ली है। जब 29 नवंबर को भारत के गवर्नमेंट ने यह बात सामने लाई धरावी जगह को रीडेवलपमेंट करना है, तब अडानी ग्रुप ने सबसे बड़ी बोली लगाकर धरावी को रीडेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी अपने नाम ले ली है। अब ये जानते हैं कि ये धरावी जगह कौन सी है। मुंबई की एक ऐसी जगह है धरावी जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। 1 किलोमीटर के अंडर में 2 लाख से भी ज्यादा लोग पाए जाते हैं। 1850 में ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन ईस्ट कंपनी द्वारा ये धरावी को स्टार्ट किया गया था। तब इंडियन ईस्ट कंपनी धरावी को डेवलपमेंट करने में अपना 100% दे रही थी। 1887 में सबसे पहली इंडस्ट्री टैनिंग इंडस्ट्री आई। टैनिंग इंडस्ट्री में चमड़े का काम हो रहा था। उसके बाद लूम इंडस्ट्री आई। उसके बाद कपड़ों का काम शुरू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे वहां पर इंडस्ट्री आने लगी। गुजरात से लोग आने लगे व्यापार करने के लिए। गुजरात से लोग आने लगे इंडस्ट्री खोलने के लिए। गुजरात से लोग आने लगे काम करने के लिए। अलग अलग स्टेट से काम करने के लिए आने लगे। हर छोटी बड़ी इंडस्ट्री धरावी में आ चुकी थी। धरावी में जो इंडस्ट्री प्रोडक्ट बनाती थी वो प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं बिक रहे थे, वो प्रोडक्ट फॉरेन कंट्री दूसरे दूसरे देश में भी बिक रहे थे। 1947 फ्रीडम के बाद, देश आजाद हो जाने के बाद धरावी में बड़ी तेजी के साथ डेवलपमेंट हो रहा था। मुंबई में सबसे बड़ी सबसे आबादी वाली जगह धरावी हो चुकी थी, लेकिन सबसे ज्यादा आबादी होने की वजह से लोगों को कई सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, जैसे कि बीमारी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। अगर थोड़ी सी भी बीमारी फैलती थी तो वहां बड़ी तेजी के साथ बीमारी फैल जाती थी। साल 1996 में धरावी में हैजा बीमारी फैल गई थी। हैजा बीमारी की वजह से धरावी के सबसे ज्यादा मरीज पाए जा रहे थे। हॉस्पिटल में अगर कोई भी हॉस्पिटल में जाते थे तो सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे थे धरावी के, और वजह सिर्फ एक थी, वो थी सबसे ज्यादा आबादी। सबसे ज्यादा आबादी होने की वजह से वहां पर सबसे ज्यादा गंदगी हो रही थी। ये सारी चीज मद्देनजर रखते हुए भारत गवर्नमेंट ने ये बात सामने लाई कि धरावी को रीडेवलपमेंट करेंगे, और इसमें सबसे बड़ी बोली लगाई हमारे गौतम अडानी ने। हालांकि कई सारे लोगों ने बोली लगाई लेकिन कोई भी लोग अडानी ग्रुप को बीट नहीं कर पाए। हालांकि डीएलएफ लिमिटेड इन्होंने 2025 करोड़ की बोली लगाई, लेकिन अडानी जी ने इन सबको क्रॉस कर 5,069 करोड़ की बोली लगाई, जो कि डबल से भी ज्यादा है। अब ये जानते हैं कि इसमें अडानी जी को क्या फायदा मिलेगा। धरावी 620 एकड़ में फैली हुई है। धरावी में रीडेवलपमेंट होने के लिए लाखों स्क्वायर फीट की जमीन मिलेगी, जिसमें अरबों का फायदा होगा, और इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन धरावी को डेवलप करना चाहते थे। लेकिन ये मौका हमारे इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी जी को मिला। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ऑर्डर आने के बाद धरावी को रीडेवलपमेंट करने का काम शुरू हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।